हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो ये वीडियो स्पेशल रिक्वेस्टेड फैन की तरफ से है, तो होप करता हूं आप सबको पसंद आएगी, क्योंकि अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो गेम्स तो खेलते ही होंगे, और अगर मेरे जैसे गरीब हैं तो यूट्यूब पे गेम प्लेस देख के अपना दिल बहला लेते होंगे। और किसी ने मुझसे पूछा था कि रेजिडेंट इवल 7 बायोहजार्ड की स्टोरी लाइन इलैबोरेट करो, तो मैंने सोचा यार फाइन, इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। और एक और बात यार, आप लोग से मिलकर बहुत खुशी मिलती है यार, जितने भी व्यूज मिलते हैं, इट डजेंट मैटर, जितने भी व्यूज मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। और अभी यार यूट्यूब मुझे अभी पैसे नहीं देता है, और शायद यही कारण है कि अभी यूट्यूब मेरा अटेंशन नहीं खींच पा रहा है, और जब पैसे मिलेंगे तो कंटेंट की क्वालिटी तो सातवें आसमान पे होगी, तो कंटेंट की क्वालिटी बढ़ेगी यार, थोड़ा वेट करो, थोड़ा बढ़ जाएगी। तो कहानी शुरू होती है साल 2017 के जुलाई में, जब इथन विंटर्स अपने देश का एक आम नागरिक है और उसे अपनी पत्नी मिया के एक वीडियो मैसेज मिलता है, और उस मैसेज के थ्रू वो उसे एक अपवित्र प्लांटेशन एरिया के डुलवे, या प्रोनंसिएशन गलत है समझ लेना, अपवित्र प्लांटेशन एरिया के डुलवे ल्यूजियाना में ढूंढने जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को अब तक 3 साल से मरा हुआ समझा जा रहा था। और मिया को खोजते खोजते इथन एक अजीब से पुराने घर में जाता है, और उस घर के तहखाने में उसे मिया एक जेल जैसे कमरे में बंद मिलती है। और जब मिया और इथन घर से बाहर निकलने वाले होते हैं, तब मिया के अंदर माता आ जाती हैं। मतलब मिया बहुत ही डरावनी और भयानक हो चुकी होती है, और वो अपने पति को मार देना चाहती है। और सेल्फ डिफेंस के चलते इथन को मजबूरन मिया को मारना पड़ता है। और फिर इथन को एक औरत का फोन आता है जिसका नाम जोई है, जो उसे उस घर से बाहर निकलने में गाइड करेगी। और जब उसे लग रहा था कि मिया मर चुकी है, लेकिन यहाँ पे वो गलत है भाई, हॉरर स्टोरी है, मिया फिर से जिंदा हो जाती है, और इस बार इथन का वो लेफ्ट हैंड काट देती है। मिया को फिर से मारने के बाद जैक बेकर इथन को पकड़ लेता है, और जैक को घसीटते हुए दूसरे घर में ले जाता है। दूसरे घर में जोई इथन के कटे हुए हाथ को फिर से स्टेपल कर देती है, और यहाँ जैक बेकर बेकर फैमिली का हेड मेंबर है जो काटने कमाने का काम करता है। वहाँ पे बैठे लोग हैं जैसे कि जैक, उसकी पत्नी मार्गरेट, उनका बेटा लूकस, और एक अधमरी हालत में व्हीलचेयर पे बैठी एक बुढ़िया, जान लो बेटा बुढ़िया बहुत थारामी है। उनके द्वारा टॉर्चर किए जाने के बाद जब इथन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तब जैक उस पर बार बार अटैक करता है। इथन उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पावरफुल हीलिंग फैक्टर के कारण वो उसे मार नहीं पाता है। लेकिन जब 1:1 की फाइट के दौरान इथन जैक को बड़ी मेहनत से मार पाता है, और जैक को मारने के बाद जोई उसे फिर से कॉन्टेक्ट करती है, और बताती है कि जिस शख्स को तुमने अभी मारा है वो मेरा सगा बाप है। और वो इथन को और बताती है कि मिया, उसकी फैमिली और वो खुद इस सेम वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन इस परेशानी को टाला जा सकता है अगर तुम एक स्पेशल सीरम ले आओ तो। और फिर वहां से इथन एक पुराने घर में जाता है उस सीरम के जरूरी इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए। इन सब के दौरान इथन मार्गरेट को बड़ी मुश्किल से मार पाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को लेने के बाद इथन को एक अननोन बच्ची का सपना आता है खुली आंखों से, लेकिन फिर इथन के पहुंचने से पहले लूकस, जोई और मिया को किडनैप कर चुका होता है, और वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम्हें मिया और जोई से मिलना है तो उसके बताए हुए रास्ते पे आना पड़ेगा। और उन सारे रास्तों के दौरान उसे कई सारे बूबी ट्रैप मिलते हैं। इथन अपने दिमाग के जरिए लूकस को बेवकूफ बनाने में सक्सेसफुल रहता है, और जोई और मिया को वहां से छुड़ा भी लेता है। अब जोई के पास 2 सीरम है, लेकिन कुछ और करने से पहले जैक वहाँ पे आ जाता है, लेकिन इस बार वो हैविली म्यूटेट हो चुका है, और उसे हैंड टू हैंड फाइट में हराना लगभग इम्पॉसिबल है। तो कुछ देर लड़ने के बाद इथन एक सीरम से जैक को परमानेंटली मार देता है, नोट कर लो अब वो आएगा नहीं। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई कि अब उसे या तो मिया को बचाना था या तो जोई को, क्योंकि उसके पास अब 1 सीरम है। तो आपको परेशान ना करते हुए मैं दोनों के बारे में बताता हूँ कि दोनों केसेस में क्या होगा। तो सबसे पहले जोई से स्टार्ट करते हैं। अगर हम जोई को चूज करते हैं तो सबसे पहले मिया का दिल टूटेगा भाई, जाहिर से बात है वो उसकी पत्नी है, और इथन उससे प्रॉमिस करता है कि निकलने के बाद वो उसके लिए मदद जरूर भेजवाएगा, और वो और जोई बोट पे बैठ के निकल जाते हैं। बोट में जोई इथन को बताती है कि पूरी बेकर्स फैमिली मिया की वजह से इन्फेक्टेड है, क्योंकि मिया ने एक बच्ची को घर लाया था जिसका नाम एवलिन है। मिया को एवलिन एक शिप के पुराने मलबे में मिली थी जो नदी के किनारे काफी सालों से पड़ा हुआ था। उन दोनों के बात के दौरान एवलिन उन्हें रोक लेती है और जोई को सच में मार देती है, और इथन बोट से गिर जाता है और एक क्रीचर उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद मिया भी मर जाती है। लेकिन अगर हम मिया को चूज करते हैं तो जोई उन दोनों को ताना मारते हुए वहां से भेज देती है, और वे दोनों बोट पे बैठ के निकल जाते हैं। और फिर वे दोनों उस शिप के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस बार मिया मरेगी नहीं। इथन को क्रीचर तो पकड़ लेता है, लेकिन मिया उसे बचाने के लिए जाती है, और ठीक इथन की तरह मिया को भी एवलिन के सपने आते हैं,
और वो बच्ची मिया को अपनी मदर के रूप में फोर्सफुली रिफर करती है। इन सब के दौरान मिया की मेमोरी रीस्टोर हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि मिया एक एनोमिनस कॉरपोरेशन की खुफिया एजेंट है जो इवलिन को किसी तरीके का बायो वेपन बनाना चाहते थे, और जाहिर सी बात है उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण वो अब उनके कंट्रोल में नहीं है। और यहां से हमें स्टोरी के बारे में और जानने को मिलता है कि मिया और एक और एजेंट को किसी और देश में ट्रांसपोर्ट किया जाना था, लेकिन इवलिन वहां से भागने में कामयाब रहती है और उसने उस शिप को कंटामिनेट यानी दूषित कर दिया है। एवलिन ने मिया के दोस्तों, करीबियों और कई सारे लोगों को मार दिया है और शिप को डुबा भी दिया है। एवलिन ने मिया को इन्फेक्ट इसलिए किया है ताकि वो उसे फोर्सफुली अपनी मदर बना सके, और जब मिया इथन को ढूंढ लेती है तब वो उसे एक शीशी देती है जिसमें एवलिन का जेनेटिक मटेरियल रहता है, और अगर इथन ने मिया को सीरम दिया होता तो मिया एवलिन के कंट्रोल से तब तक अपने आप को रेजिस्ट करती रहती जब तक इथन शिप से बाहर नहीं निकल जाता है। लेकिन अगर इथन ने जोई को सीरम दिया होता तो मिया एवलिन के प्रेशर को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाती और इथन पे फिर से अटैक करना शुरू कर देती, और तब इथन मिया को कम्प्लीटली हमेशा के लिए मार देता। और जब शिप की तबाही से बचने के बाद इथन को एक पुराने नमक के खदान में छुपी एक प्रयोगशाला मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि एवलिन एक बायो ऑर्गेनिक वेपन है जो लोगों को उनके दिमाग के थ्रू इन्फेक्ट कर सकती है और पूरी तरीके से विक्टिम के माइंड को कंट्रोल भी कर सकती है। इन सब के दौरान विक्टिम को इंसैनिटी यानी पागलपन, सुपर ह्यूमन रिजनरेटिव एबिलिटीज यानी एक्सट्रीम तरीके की हीलिंग फैक्टर और काफी सारे म्यूटेशंस भी मिलते हैं। एवलिन के अपब्रिंगिंग के दौरान उसे परिवार से बहुत लगाव था, लेकिन उसे फैमिली कभी मिल ना सकी, जिसके कारण मिया और बेकर्स फैमिली के मेंबर्स को उसने इन्फेक्ट कर दिया। और एवलिन इथन को बेकर्स के घर फुसलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इथन पे इन सब का कोई भी असर नहीं पड़ता है। लुकस को कुछ समय के लिए ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे एवलिन के इन्फेक्शन से बचा लिया, और कुछ लैब इक्विपमेंट्स और एवलिन के जेनेटिक मटेरियल के थ्रू इथन ने एक टॉक्सिक तैयार किया जिससे वो एवलिन को मार सकेगा। टॉक्सिक तैयार करने के बाद इथन कई सारे टनल्स से होकर बेकर्स के घर पहुंचता है। एवलिन इथन को फिर से कई सारे मिराज दिखाती है यानी खुली आंखों से सपना देखना, ताकि वो उसे मेंटली कमजोर बना सके, लेकिन जैसे तैसे इथन उन सब से बच जाता है। कुछ देर तक लड़ने के बाद इथन एवलिन के अंदर टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है, लेकिन एवलिन के मरने की बजाय वो उसे बताती है कि वो उस व्हीलचेयर वाली बुढ़िया के अंदर है, और उसके पहले स्केप से ही एवलिन सारा प्लान बना चुकी थी। फिर एवलिन बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और फिर वहां पे मिलिट्री स्क्वाड भी आ पहुंचती है। जैसे तैसे इथन एवलिन को मार पाता है और वो मर जाती है। अब मेरी बात भी सुन लो, मेरे ख्याल से एवलिन अभी मरी नहीं है। अगर वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक्सचेंज हो सकती है तो इसकी क्या गारंटी है बुढ़िया के अंदर जाने के बाद वो कहीं और नहीं गई होगी। लेकिन खैर, मॉन्स्टर के मरने के बाद मिलिट्री स्क्वाड का लीडर अपने आप को रेडफील्ड नाम से इंट्रोड्यूस करता है, जो इथन को अपने हेलीकॉप्टर पे रेस्क्यू करते हैं। अब यहाँ दोनों चांसेस के बारे में बात करते हैं। अगर इथन मिया को क्योर नहीं करता तो हेलीकॉप्टर के अंदर अपने फोन में एक लास्ट मैसेज गुड बाय लिखकर फेंक देता, और अगर इथन ने मिया को क्योर किया है तो मॉन्स्टर के मरने के बाद मिया उसके साथ हेलीकॉप्टर में जिंदा रहती, और जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो अनजान कॉरपोरेशन का लोगो दिखता है, और वो अनजान कॉरपोरेशन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन है। जान रहा था साले, सब लफड़ेबाजी वाला काम यही साले सब करते हैं। थॉर सही कहता है, इंसान को प्रकृति के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आप लोग को ये स्टोरी? जानता हूँ कि कुछ लोग अभी मुझसे नाखुश होंगे क्योंकि मैंने एकदम डीप डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन देखो भाई, इसकी मेन स्टोरी यही है, और अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमको माफ कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या कोई कुछ छूट गया हो तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अब मैं भी जा रहा हूँ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने, और अगर तुमको भी आना है तो कमेंट्स में लिखो यार, खुद रेडफील्ड तुमको हेलीकॉप्टर से लेने आएगा। और अगर आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नॉलेज स्प्रेड करनी है तो शेयर कर दो, और इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वरना एवलिन को तुम्हारे घर पार्सल कर रहा हूँ। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। It's fine. It was foolish thinking I could escape.